गया और उसने धर्मशास्त्र को छोड़ा, आचार्य सिस्टम को छोड़ दिया। लेकिन फिर एक बात है जिसको जब भी मैं मनन करता हूं तो अकेले में बैठे हुए भी ताली बजाता हूं, आप भी शायद बजाएंगे, कि कम से कम 10,000 वर्ष का इतिहास हमें मालूम है और 10,000 वर्ष की अनेकों ऐसी परंपरा है जो आज 2023 में भी आपको देखने को मिल जाएगी। यह है सशक्त भारत की तस्वीर। लेकिन फिर बंटवारा और बंटवारे में किसानों ने अपनी परंपरा नहीं दी, गायकों ने अपनी परंपरा नहीं छोड़ी, शिक्षा है। और जो आश्रम व्यवस्थाएं थी अंग्रेज जब आए मुसलमानों ने भी उतना अनादर नहीं किया उन आश्रम व्यवस्थाओं का जितना अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों को यह स्पष्ट हो गया था कि एक आचार्य बैठा हुआ होगा वो पूरे शहर में मुझे मनमानी नहीं करता और वो अपनी तेरवी करके आचार्य बनता, इसीलिए उसे मृत्यु का भय नहीं होता। देखिए ना, रानी लक्ष्मीबाई जी को बचाने के लिए और उनके पुत्र देवव्रत को बचाने के लिए कितने आचार्य अपनी गर्दनें कट गई। उनका भी कभी कभी मनन किया कीजिए, क्योंकि वह भी राष्ट्रीय आंदोलन के आचार्यों को वो पद नहीं, वो हमने राजनीतिज्ञों के लिए रिजर्व आचार्य महर्षि व्यास से शुरू करूं, तेरा पंथ में जाऊं कि स्वामी विवेकानंद जी की बात करूं, ऋषि अरविंदों की बात करूं, कहां कहां किस किस की बात करूं जिन लोगों ने इस देश के लिए ठीक उसी तरह से जैसे दुर्गानी भगत सेना के खड़े जान देने के देश को उन्होंने भी ऐसी जान कभी सन्यासियों का कोई नहीं देखा। पुस्तक पढ़ी है स्वामी जी कि हम सिर्फ कोई बात नहीं जानते विदान और खुशी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि स्वामी जी कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को अपने आश्रम पर बुलाया, बाद में सिस्टर निवेदिता के हाथ हवाले किया कि इनकी केयर करो। तिलक जी से कहते थे आओ चाय बनाओ मुझे भी पिलाओ चर्चा करेंगे, नहीं स्वामी विवेकानंद को जानता मैं उन एक लाइन वाले स्वामी विवेकानंद जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि स्वामी जी ने जितना बड़ा काम इस देश के लिए किया है, इंग्लैंड में जाकर आप क्या मजाक समझते हैं स्वामी जी ने बस ऐसे ही कर लिया होगा? मार्गरेट को निवेदिता ऐसे ही बनाया उन्होंने? वेदांत के झंडे अमेरिका में ऐसे ही कर दिए थे क्या उन्होंने? इसके पीछे एक सोचा समझा ऐसे बहुत सारे सन्यासी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ ये केवल मत सोचिए कि सन्यासी में पूजा पाठ से विज्ञान से सन्यासी गोलियों का सामना कर रहे हैं, सन्यासी लोगों को छोड़ रहे हैं, लोगों को छोड़ छोड़ कर प्रेरित करो अचानक छोड़ना मत, और किसके लिए? अपने लिए नहीं कर रहे, कोई महल भवन नहीं बनाने थे देश। ये हमारी परंपरा है,